आई थिंक 86% से इंडियन स्टूडेंट्स के स्टडी वीजास कम आए हैं। देखो गाड़ी के टायर के यहाँ यहाँ तक स्नो रखी है। हमारा ड्राइववे क्लियर कर लिया पूरा। क्या रीजन है कि लाइक स्टूडेंट्स आना इतना कम हो रहे हैं? दिस इज 30 सेंटीमीटर। कनाडा ने अपनी GIC जो यहाँ पे मेन रोड्स तक क्लियर नहीं करी है इन लोगों ने। पूरा एडवेंचरस मोड में स्नो ड्राइविंग काफी रिस्की हो जाती है, आपको ट्रैक्स बने हुए दिख जाएंगे। फ्रॉड काफी ज्यादा होने लगा है आजकल। ये देखो गाइस, तगड़ी स्नोफॉल हो रखी है। अरे भाई, ये हमारी घर के बाहर जाने का रास्ता है। ये देखो पैर कहाँ तक आ रहे हैं। वैसे आज हमारे ना ऑफिस की ऑटोमेटिक छुट्टी हो गई, क्योंकि इतनी स्नो में ऑफिस कौन ही जाएगा। अभी देखो ये हैं बाहर के नज़ारे, पूरी गाड़ी स्नो से कवर्ड है। ये हमारी कार है, ये देखो गाड़ी के टायर के यहाँ यहाँ तक स्नो रखी है पूरी। ये एक्चुअली घर के अंदर वाली गली है ना, तो यहाँ इतना ज़्यादा स्नो रिमूवल होता नहीं है, मेन रोड्स पे जल्दी कर देते हैं। पैर के निशान कितना इंटेंस डीप है, बहुत स्नो पड़ गई यार। तो कहेगा देखो सिद्धार्थ बस स्नो साफ करते हुए, वरना गाड़ी तो आज निकल ही नहीं पाएगी। स्वर्तिका स्नो रिमूव कर रही है, बढ़िया। हाँ गाइस, वैसे आज ठंड नहीं है ज़्यादा, बस स्नोफॉल पड़ रही है। वैसे ज़्यादा बहुत ठंड ऐसी, मतलब जैसे -10 में हो रही थी, वो नहीं लग रही है। हाँ, बाकी देखो आप पीछे गाड़ी की कंडीशन देखो, कितनी तगड़ी वो पड़ी हुई है भाई, पूरा हाथ चला गया अंदर, इतना डीप है। आई थिंक यहाँ पे आज 30 सेंटीमीटर्स की वो पड़ी है स्नोफॉल, और बहुत तगड़ी वार्निंग थी। सबके ऑफिस वगैरह सबकी छुट्टी हो गई, स्कूल की छुट्टी, ऑफिस की छुट्टी, सब रिलैक्स कर रहे हैं, कल जाएंगे ऑफिस। हम लोगों ने ना हमारा ड्राइववे क्लियर कर लिया पूरा, और यार शॉवल करके थक गए बिल्कुल। अभी सोच रहे हैं अभी बाहर जाएंगे तो वॉलमार्ट या कैनेडियन टायर से ना यहाँ सॉल्ट या केमिकल आता है, उसको ड्राइववे पे डाल दो तो सारा मेल्ट हो जाता है। नॉर्मली वैसे ओनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के, बट हमारे ओनर शायद अभी हैं नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम खुद ही अपना क्लियर कर रहे हैं। बट आई थिंक सबसे बढ़िया यही होता है कि सॉल्ट स्पार्कल कर दो थोड़ा सा, तो उससे क्या होता है ना कि वो स्नो आइस नहीं बनती और सारा पड़ती है, मेल्ट होती रहती है। बाकी आप देखो नज़ारे चेक करो, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये गाड़ियों के टायर के निशान बने हुए हैं, सिर्फ पिकअप ट्रक्स और SUV निकल रही हैं बाहर, बाकी सारी गाड़ी ऐसे खड़ी हुई हैं चुपचाप, अगली गाड़ी निकलेगी हमारी। ये देखो साइड में इतने ढेर लग गए हैं, जो भी हमने साफ़ करी है सारी साइड में लगा दी। इतनी तगड़ी है यार। दिस इज 30 सेंटीमीटर्स। तो कैसे दाद बार बार ना आगे पीछे करके थोड़ी स्नो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो काफी हाइट पे है। देखो गाइस कितनी ज्यादा स्नो हो रही है, स्केड कर रही है कार बिल्कुल। देख रहे हो आप टायर कैसे घूम रहा है। ठीक है, तो फाइनली सीधी तो हो गई है। और ये आई थिंक फाइनली पूरी निकल गई है। ये देखो गाइस, सिद्धार्थ पूरा एडवेंचरस मोड में स्नो के ऊपर से कार ले जाता हुआ। भाई 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 भाई, ये तो मीम मटेरियल हो रहा है। क्या भाई, कितनी स्नो है। वो बंदा है, शुँ, 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 शुँ,
हम ना हमारे घर की गली से बाहर निकल चुके हैं, तो ये देख रहे होगे आप, ये मेन रोड है और इतनी तगड़ी स्नोफॉल हुई है यहाँ पे, मेन रोड्स तक क्लियर नहीं करी है इन लोगों ने। आई थिंक सिर्फ हाईवे पे रिमूव करी होगी जो करी है, और उसकी वजह से पूरी रोड पे स्नो ही स्नो हो रखी है, और थोड़ा ड्राइविंग भी रिस्की हो गई है उसकी वजह से, लाइक कार काफ़ी स्किड कर रही है। ये देखो ना, बिल्कुल रोड पे स्नो ही पड़ी हुई है, कुछ साफ नहीं हुआ है। आज इसकी वजह से ही ऑफिस वगैरह की भी छुट्टी हो गई सबकी, कोई ऑफिस भी नहीं जा पाया, इतनी तगड़ी स्नो पड़ी है ना। पर वैंकूवर का हाल ऐसा हो जाता है ना, अगर स्नो पड़ती है तो सभी कुछ बंद सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली स्नो टायर्स हैं वो मैंडेटरी नहीं है, वैंकूवर टू होप के बाद मैंडेटरी है, तो लोगों के पास आधे टाइम तो स्नो टायर्स ही नहीं होते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और आप इसमें तो बिना स्नो टायर्स के नहीं चला सकते, क्योंकि स्नो टायर के साथ इतनी स्किड कर रही है। और ये देखो, ये ना थोड़ा ये मेन हाईवे वाली रोड है, तो इधर फिर भी फील हो रहा है कि इन्होंने स्नो क्लियर करी है। क्या लगता है सिद्धार्थ? आई थिंक एक बार क्लियर करी होगी, बट उसके बाद काफ़ी स्नो पड़ी हुई है, और एक्चुअली ये रात से पड़ रही है, रात के 2 बजे से पड़ रही है, अगले दिन का सुबह हो चुका है, 2 बज रहा है और अभी भी 4-5 बजे तक पड़ेगी, तो खूब भर के बर्फबारी हो रही है यहाँ। आपको ना एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे स्नो ड्राइविंग काफी रिस्की हो जाती है, तो नॉर्मली ना स्नो में ऐसे आगे वाली गाड़ी के आपको ट्रैक्स बने हुए दिख जाएंगे, आप उसी पे अपने टायर रखो, लेन फिगर आउट करने की इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि स्नो में सब कवर हो जाता है, पता नहीं पड़ता। और स्नो ड्राइविंग में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हर चीज़ ना स्लो होती है, अगर आप ब्रेक्स दबाओगे गाड़ी स्केट करते करते जाएगी आगे, तो अगर आपको रोकनी है गाड़ी बिल्कुल जेंटली ब्रेक अप्लाई करो धीरे धीरे, या फिर पता है आपको आगे रोकना है तो अपना एक्सेलरेटर से पैर उठा लो, गाड़ी को ऑटोमेटिकली थोड़ा धीरे होने दो, तो ये चीज़ होती है, इसलिए स्नो पे यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो ये देखो, ये जितनी गाड़ियाँ जा रही हैं आजू बाजू, ये सारी चल रही हैं 30-40 किलोमीटर्स पर आर पे, और वैंकूवर में इतनी बर्फ़ होती नहीं है, तो यहाँ इनके पास उतना तगड़ा इक्विपमेंट है नहीं आई थिंक, इस वजह से यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है तो बस सब बंद ही हो जाता है। ये देखो रोड की कंडीशंस, बीच में जाम लगा हुआ है और सब तरफ स्नो ही स्नो पड़ी हुई है, तो यही सीन है यहाँ का। बाकी ना विंटर्स में यहाँ पे ये पिकअप ट्रक्स बेस्ट होते हैं, साइड में जितने जा रहे हैं इनकी ग्रिप वगैरह तगड़ी होती है, पिकअप ट्रक्स या SUV, तो यहाँ पे वैसे उतनी पड़ती नहीं है, मगर कभी कभार पड़े तो आप अपनी कार से भी मैनेज कर सकते हो। और गाइस एक और चीज़ दिखाती हूँ, तो विंटर्स में स्पेशली वैंकूवर में पता नहीं कहाँ कब कहाँ कार फंस जाए, और हमारी तो सेडान है, तो देखो हम ये पीछे शॉवल साथ में लेके चल रहे हैं, कहीं भी फंसेगी वहाँ शॉवल लगाएंगे और गाड़ी हटाएंगे अपनी। और इसमें एक और चीज़ होती है, नॉट जस्ट शॉवल, जैसे हमारी कार में डोर मैट्स ही बोलते हैं ना, कार मैट्स, वो पिक्का फंसा पड़ा है, मुझे लगा था सेडान ही फंसती है, या तो फंसा हुआ है या फिर कोशिश कर रहा है कि लोगों के लिए थोड़ी जगह फ्लैट हो जाए। हाँ पॉसिबल। हाँ बाकी ना कार मैट्स आते हैं जो हमारे लगे हुए, हमने एक्स्ट्रा लिए थे, तो अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस जाए तो अपने टायर के आगे वो मैट लगा दो और उसके ऊपर चला के उस स्पेसिफिक एरिया से निकल जाएगी। या फिर यहाँ पे ना गाड़ी के टायर्स की चेन भी आती हैं, तो टायर चेन्स बोलते हैं उनको, सस्ती आती हैं, बहुत महंगी नहीं आती, अगर जब इंटेंस स्नो पड़े ना बिल्कुल कि आपकी गाड़ी निकल नहीं पा रही, चल नहीं पा रही और फंसी पड़ी है, तो वो बहुत ईजी होता है लगाना, आई थिंक $30-$50 के अंदर वो चेन्स आ जाती हैं आगे या पीछे के टायर में, आगे के टायर में लगाओ, और मतलब जैसे भी आपकी गाड़ी है, लाइक 2-व्हील ड्राइव है, 4-व्हील ड्राइव है, उस हिसाब से लगाओ, और जब फंसे हो तो लगा के अपनी गाड़ी निकाल लो। हमारे घर के आसपास आए हैं बिल्कुल टिम हॉर्टन्स में, यहाँ पीछे वोरा टिम हॉर्टन्स, और ये यहाँ पे पेट्रोल पंप है, तो आपको अगर पेट्रोल का प्राइस बताऊँ तो अभी चल रहा है यहाँ पेट्रो कैनेडा में 147.9 का, तो $1.47 का 1 लीटर चल रहा है पेट्रोल, ठीक है, आई थिंक अभी सस्ता चल रहा है यहाँ पे, बीच में $2-2 छू गया था, $2-2.5 तो सही है। बाकी कैसा लग रहा है वर्तिका, विंटर से मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा ऑफिस की छुट्टी करके? विंटर्स तो वैसे पिछले हफ्ते थी जब -10 था, अभी तो बस स्नोफॉल हो रही है, टेम्परेचर आई वुड से -1 है, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, एक विंटर जैकेट में काफ़ी अच्छा काम निकल रहा है, और ग्लव्स तो स्नो हटाने के लिए पहने थे, बाकी अच्छा है, मज़ा आ रहा है। इस वर्ती का खाली हाथ टिम हॉर्टन से आते हुए, उनका ड्राइव थ्रू ही खुला है यहाँ, आज के दिन कोई स्टोर में भी नहीं घुसाएगा अपने। हाँ और ड्राइव थ्रू पे इतनी वो बर्फबारी पड़ी हुई है कि क्या ही गाड़ी घुसाओ वहाँ पे अपनी।
आज की वीडियो में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं, और वो ये है कि रिसेंटली कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि इंडियन स्टूडेंट्स, आई थिंक 86% से इंडियन स्टूडेंट्स के स्टडी वीज़ास कम आए हैं इन लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023। मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर 2023 का टाइम था, उसमें सिर्फ 15,000, क्लोज टू 15,000 स्टडी वीज़ा एप्लीकेशंस ही अप्रूव हुई, कंपेयर टू 1,08,000 या 1,10,000 उससे प्रीवियस क्वार्टर में। तो इसका मतलब यही है कि लास्ट 3 महीने में काफ़ी रीजंस की वजह से कनाडा में जो स्टडी परमिट, स्टडी करने जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी लाइक क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है। तो इसके पीछे वर्तिका, व्हाट डू यू थिंक, क्या रीज़न है कि लाइक स्टूडेंट्स आना इतना कम हो रहे हैं, और दैट टू इंडियन स्टूडेंट्स आना ही कम हो रहे हैं, नॉट जस्ट थ्रू आउट इंटरनेशनल, हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं इन कनाडा। हाँ, तो एक्चुअली मुझे लगता है सबसे पहला रीज़न कि इंडियन स्टूडेंट्स कम हो गए हैं इतने ज़्यादा, 86% ड्रॉप हो गया है, वो है इनके डिप्लोमेटिक टाइज। मतलब जैसे सभी जानते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में भी डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे आपको पता होगा लाइक अभी रिसेंट अक्टूबर के आसपास यहाँ पे एक बंदा था, उसकी किलिंग हो गई थी, उसकी वजह से इंडिया और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, इंडिया ने कुछ स्टेटमेंट दी, कनाडा ने कुछ स्टेटमेंट दी, उसकी वजह से इन्होंने आई थिंक इंडिया ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया, कुछ 41-42 आई थिंक, मुझे पता नहीं है, कनाडा ने भी शायद आई थिंक इंडियन डिप्लोमेट्स को निकाला था, एक्सपेल किया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो मेन चीज़ है वो ये है कि उनके डिप्लोमेट्स कम हो गए, तो वो उतनी ज़्यादा स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशंस प्रोसेस नहीं कर पाए। तो ये एक मेजर रीज़न है कि लास्ट क्वार्टर में इतनी कम स्टडी परमिट्स ही क्यों, लाइक स्टडी वीज़ास क्यों अप्रूव हुए इतने कम, इसका मेन रीज़न ये था। इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक कि मतलब रिलेशंस के अलावा जो इनके डिप्लोमेट्स निकाले, उसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है? उसके अलावा मुझे लगता है दूसरा जो बहुत मेजर रीज़न आजकल चल रहा है, जैसे कि आप लोग भी बहुत सुनते होंगे, कनाडा में एक्चुअली जो इंस्टीट्यूशन फ्रॉड्स जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ऑफ़र लेटर दे दिया, बच्चे ने वीज़ा भी लगा लिया उस ऑफ़र लेटर के बेसिस पे, बट जब यहाँ आया तो देखा कि क्लासेस नहीं है, मतलब यू नो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो सारी चीज़ों की वजह से भी काफ़ी बच्चे रिफ्रेन कर रहे हैं आना कनाडा। इसी का एक एग्जांपल दूंगा, आई थिंक लास्ट ईयर की ही बात है, जलंधर में किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू लोगों ने यहाँ मतलब कनाडा आने के लिए वीज़ा लगाया था, उन बच्चों ने यहाँ पे आके पूरा अपना स्टडी कंप्लीट कर ली, वर्क परमिट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब पीआर की एप्लीकेशन लगाई तब कैनेडियन गवर्नमेंट ने चेक किया, उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे इनका तो फेक कॉलेज था या कुछ ऐसा था, तो एक फ्रॉड का केस था, उसके बाद उनका काफ़ी वो चला कि इनको वापस डिपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, या उनका एक केस चला। तो ये एक रीज़न है कि यहाँ पे फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा होने लगा आजकल, लोग अगर रिसर्च नहीं करके आते अपनी किसी भी ऐसी कॉलेज में, कुछ भी उठा के आ जाते हैं देखकर, तो यहाँ पे आके पॉसिबल हो सकता है वो कॉलेज ही ना हो, या फिर वो कोर्स ना हो, या हो सकता है घर जितना कॉलेज हो, तो इन सब चीज़ों पे वो है काफ़ी। तो अगर आप आना चाहते हो तो एक अच्छा कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी देख कर आओ जिसकी रेपुटेशन हो, और एलुमनाई से बात करो, सबसे पूछ पाछ के आओ कि भाई कैसा कॉलेज है, कितना बड़ा कॉलेज है, वीडियोस देखो, फोटोज़ देखो, रिसर्च करो, लिंक्डइन पे लोगों से बात करो। और आई थिंक मैं सजेस्ट करूँगी आप थोड़े टीचर्स से कनेक्ट कर सकते हो तो उनसे भी कर लो, कोऑर्डिनेटर वगैरह के तो ईमेल काफ़ी ओपनली दिए हुए होते हैं, तो उनसे भी कनेक्ट करके पूछ लो कि क्या है कैसा है, ताकि आपको जेन्युइनिटी पता पड़े। राइट, तो इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो वर्तिका, नेक्स्ट पॉइंट बताओ कि इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा कम क्यों हो रहे हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट मुझे लगता है कि अभी जैसा आपको पता है दिसंबर में कनाडा ने अपनी GIC जो है वो डबल कर दी थी, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब आप SDS स्ट्रीम से वीज़ा लगाते हो तो आपको एनीवे 1 ईयर का पूरा कॉस्ट देना पड़ता है, मतलब फ़ीस का कॉस्ट पे करना पड़ता है। फिर पहले आप 10,000 करते थे GIC, अब आप वही GIC 20,000 पे कर रहे हो, तो एक इकोनॉमिक बर्डन ना एक बच्चे पे और एक फैमिली पे काफ़ी हो रहा है उसकी वजह से भी, तो आई थिंक बच्चे और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां उनको चीप पड़े। राइट, तो जिन लोग को GIC नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। GIC एक्चुअली एक अमाउंट होता है, इट्स जस्ट लाइक कि आपकी पॉकेट मनी जो आपको इंडिया से ही कनाडा के बैंक में जमा करनी है, जो आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट में मिलेगी फॉर योर ओन एक्सपेंसेस। तो पहले ऐसा होता था कि $10,000 जमा करें, हर महीने हज़ार मिलेंगे एक साल एज योर लिविंग एक्सपेंस, वो आप ही डिपॉजिट कराते हो इंडिया में आने से पहले। तो अब वो अमाउंट डबल हो चुका है, 20,000 हो चुका है, और अब से हर साल एडजस्ट होगा। तो क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है, इतना ज़्यादा महंगाई हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, तो स्टूडेंट्स आ जाते थे पहले यहाँ पे, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, रहना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बाहर टेंट लगा के सो रहे हैं, रह रहे हैं, घर नहीं मिल रहा, हाउसिंग नहीं आ रही, नौकरी नहीं मिल रही, उसकी वजह से इन्होंने GIC थोड़ी इंक्रीज़ कर दी है कि अब आपको महीने के ईजिली आप 1500 टू
1800 की रेंज आप आई थिंक महीने की ले लो कि आपको इतना होगा टू इजीली सर्वाइव इन कनाडा। तो ये जीआईसी बढ़ा दिए, एक तरीके से अच्छा है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको अब ज़्यादा फंड्स दिखाने पड़ेंगे, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी टू कम टू कनाडा। इसके अलावा वर्तिका लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? हमारा लास्ट पॉइंट हो गया हमारा इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये जो सब भी चल रहा है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, यहाँ पे लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, पार्ट टाइम्स में काफ़ी कमी हो गई है, जॉब बहुत लेट लग रही है, और अगर जॉब नहीं है तो बंदा रहेगा कैसे यहाँ पे। तो इसकी वजह से रिवर्स इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट प्ले कर रहा है कनाडा के ऊपर, कि यू नो स्टूडेंट्स भी सोच रहे हैं कि हम जाएं कि ना जाएं, जॉब मिले ना मिले। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न लगता है मेरे को कि बच्चे कम हो रहे हैं। मतलब मुझे, मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि एक टाइम था कनाडा में भर के स्टूडेंट्स आ रहे थे, अब वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। आई थिंक मे बी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स कम हो जाएंगे धीरे धीरे, और मे बी नेक्स्ट 2-3-5 ईयर्स में इनका मार्केट पूरा रीसेट हो जाएगा कनाडा का। थिंग्स वापस बैक टू नॉर्मल होने लगेंगी, नौकरियाँ, ग्रॉसरी, हर चीज़, महंगाई कंट्रोल में आएगी, तो उसमें लगेगा आई थिंक 3-5 ईयर्स लगेंगे, उसके बाद चीज़ें पकड़ेंगी। तो अभी तो यही है कि आप कनाडा आना चाहते हो तो यहाँ थोड़ी मारामारी सी चल रही है, बट अगर आ रहे हो तो फुल रिसर्च करके आओ, कोई वो नहीं है, और मेंटली प्रिपेयर्ड आओ कि हाँ यहाँ पे थोड़ा रिसेशन सा चल रहा है, इम्पैक्ट रहेगा उसका अगले 2-3 साल तक। और इसके अलावा मुझे लगता है एक जो मेन पॉइंट है वो रिसेशन में ही आता है, क्योंकि उसकी वजह से ना हाउसिंग क्राइसिस भी हो रहा है। तो लोग आ रहे हैं, अगर उनको अगर घर ही नहीं ले पा रहे हैं तो वो भी सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो और जितने लोग हैं ही उनको केटर नहीं कर पा रहे हैं, घर में प्रॉब्लम, रेंट में प्रॉब्लम, सब चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये भी एक रीज़न, मतलब ये भी एक ऐड ऑन कर रहा है कि गवर्नमेंट भी सोच रही है इसके बारे में कि हम क्या करें अब। राइट, सो गाइस यही है फिर आज की वीडियो में, हमने सोचा आपको थोड़ा यही आइडिया देते हैं, बात करते हैं। हमने रिसेंटली ये न्यूज़ सुनी थी तो इसलिए आपको बता दिया कि इंडियन स्टूडेंट्स में ऐसा फॉल हो गया एकदम से। तो यही है, अभी चलते हैं थोड़ा घूमते फिरते हैं, उसके बाद अपना घर निकलेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं फिर, है ना? Yes. तो चलो फिर गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। लास्ट टाइम स्नो भी दिखा दो। और ये आखिरी माहौल देख लो कैसा है।